नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर नगर कांग्रेस कार्यालय में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा ने राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह संचार क्रांति के जनक थे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोहन सिंह परमार ने श्री गांधी एक महान नेता बताया, किस तरह से देश के लिए अपना बलिदान दिया। संगठन मंत्री कालूलाल सालेचा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजीव गांधी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत, कंप्यूटर क्रांति का जनक बताया। इस अवसर पर उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोहन सिंह परमार, संगठन मंत्री कालूलाल सालेचा, मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान, सरपंच बहादुर सिंह गुर्जर, कैलाश कुमार चौहान, प्रदेश कांग्रेस सेवादल सचिव अख्तर अली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जोरावर सिंह चौहान, चंद्र सिंह राणा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लोकेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष कैलाश कुमार चौहान, पार्षद हकीम खान, वरुण मीणा, राजीव अंसारी, राकेश दर्पण, राजन बेरवा, नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, ब्लॉक कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष आनंद काला, उमराव सिंह चौहान, आनंद पाटीदार, गोकुल सिंह परमार, हफीज खान, अंकित लोरा, अक्षय जैन, हसीब चौधरी, सतीश पोरवाल, चंद्रकला, विजय नाहर, तरुण आस्तुलिया, परक बंगवाल आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी की बेटी ने वाणिज्य संकाय में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके यह शहर का नाम रोशन। आत्मनिर्भर क्लासेस की विद्यार्थी कल्पना नागर, सनो मोहनलाल नागर ने कॉमर्स संकाय में 96.60% प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान व अजीत जिनवाल ने सनो मुखबल जिनवाल ने 95.60% प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही दोनों विद्यार्थियों ने इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। वहीं विज्ञान वर्ग के देवेंद्र सैनी, सनोप सोनू सैनी ने 92.20% प्राप्त कर भवानी मंडी में टॉप किया। साथ ही बालक ने फिजिक्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। भवानी मंडी शहर में संचालित आत्मनिर्भर क्लासेस के साइंस व कॉमर्स दोनों संकाय में 100% परिणाम रहा, जिसमें साइंस में 35 विद्यार्थियों संपूर्ण बैच फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए। कॉमर्स संकाय में 30 विद्यार्थियों फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए। सभी विद्यार्थियों में उत्साह व खुशी की लहर। चौमेला में मौसम में लगातार बदलाव लाने वाला पश्चिमी विश्वास के चलते मई में जोरदार बारिश हुई है, जिसके चलते आमजन को गर्मी से राहत मिली। सुबह से मौसम में उमस के साथ गर्मी थी, तभी आसमान में छाए बादल बरसने लगे। बारिश के पानी से सड़कें लबालब भर गई। झालावाड़ में गायत्री परिवार की जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ माँ गायत्री के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर हुआ। 26 मई को बारह में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में सहयोग संस्कृति ज्ञान परीक्षा व ग्रह ग्रह यज्ञ कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर विचार किया गया। कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में जिले भर गायत्री परिवार से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झालावाड़ राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के आदेशों की पालना में आलोक रंजन ने जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ के पद पर शनिवार को पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय कि जिला कलेक्टर आलोक रंजन 2013 बेंच के आईएएस हैं। वे अब तक 11 विभिन्न पदों के कमान संभाल चुके हैं। झालावाड़ जिला कलेक्टर से पहले वह जिला कलेक्टर भरतपुर ऊर्जा विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी, राजस्थान सर्विस कॉरपोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में सचिव, प्रोजेक्टर डायरेक्टर, राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव प्रोजेक्ट जयपुर, डूंगरपुर जिला कलेक्टर, जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ, जयपुर जिला परिषद सीईओ, एसडीएम जोधपुर, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग न्यू दिल्ली में असिस्टेंट सेक्रेटरी, बीकानेर में असिस्टेंट कलेक्टर अंडर ट्रेनिंग रह चुके। झालावाड़ बजट घोषणा 2023 में जिले के समस्त उज्ज्वला योजना और बीपीएल गैस कनेक्शन लाभार्थियों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह एक सिलेंडर पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी होगी। जिला रसद अधिकारी जितेन कुमार ने बताया कि गैस सिलेंडर लेते समय उपभोक्ताओं को संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा निर्धारित गैस सिलेंडर की पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। एक माह के अंदर उपभोक्ता द्वारा दी गई राशि में से 500 रुपये कम करके शेष राशि सब्सिडी के रूप में जन आधार लिंक बैंक खातों में स्वतः जमा हो जाएगी। उनेल कस्बे में रविवार को तालाब के पास स्थित नवनिर्मित मंदिर में लोक देवता बाबा रामदेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कलश स्थापना बड़ी धूमधाम के साथ की गई। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 3 दिवसीय महोत्सव के तहत पंचपुंडीय महायज्ञ भी किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के तहत कस्बे में कलश और प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह स्वागत किया। प्रतिष्ठा के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। पिड़ावा शहर में लगातार हो रही चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अज्ञात चोर शहर के सोयता नाका पर स्थित रोग्या देवी मंदिर में रखी हुई दान पेटी को तोड़ उसमें राशि चुरा कर ले गए। वहीं चोरों ने शहर के सुल्तानपुरा मोहल्ले में ममनान मंचित के पास रहने वाले अब्दुल सलीम अंसारी के सूने मकान में चोरी की वारदात की पीड़ित का पूरा परिवार 17 मई को रतलाम शादी में गया हुआ था।
चोरों ने सुने मकान की चार दीवारी फांद कर कमरे का ताला तोड़ा। उसके बाद कमरे में रखी अलमारी का ब्लॉक खोलकर उसमें रखे 45,000 रुपये चुरा कर ले गए, जबकि चोर उसी अलमारी में रखे हुए चांदी के आभूषण नहीं ले गए। घटना की सूचना पर सीआई सत्यनारायण मालव एएसआई प्रेमचंद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पिरावा सेट के कोतड़ी बाईपास स्थित बाईपास पर नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष फरीद अहमद मंसूरी, पूर्व जनपद रणजीत सिंह चौहान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष वीरेन बागवान ने संबोधित कर राजीव गांधी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कांग्रेस जिला महासचिव मान सिंह चौहान, ब्लॉक प्रवक्ता दिनेश राठौर, पूर्व नगर अध्यक्ष नसरुद्दीन खान, कांग्रेस सेवादल जिला सचिव जान मोहम्मद सीताराम शर्मा, नीलेश चेलावत, पप्पू भाई, जमील मंसूरी, राहुल प्रजापत आदि मौजूद रहे। मंदसौर के नगर पालिका सभागार में मजदूर कल्याण समिति जिला इकाई मंदसौर द्वारा गरीब मजदूर महिलाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गरीब परिवार की महिलाओं को पुरस्कार भेंट कर उनका सम्मान किया गया। मजदूर कल्याण समिति मंदसौर द्वारा बताया गया है कि प्रतिवर्ष समिति द्वारा मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस बार उन परिवारों में वैवाहिक आयोजन के चलते विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका। इसी के चलते रविवार को 21 मई को नगर पालिका सभागार में समाज सेवियों की मदद से मजदूर कल्याण समिति द्वारा गरीब मजदूर महिलाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस के नेताओं ने एकत्रित होकर दिवंगत राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन ने कहा कि आगामी 6 जून को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिले के पिपला मंडी में पहुंचेंगे। किसान आंदोलन की बरसी पर दिवंगत किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहीं विशाल आम सभा को संबोधित भी करेंगे। शामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर पुण्य स्मरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद फ्रक्या ने किया और ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश जायसवाल, शहर अध्यक्ष पंकज मुजाव दिया, युवा ब्लॉक अध्यक्ष पवन पांडे, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष बनवारी वर्मा, पार्षद गोपाल पटेल, मंडलम अध्यक्ष राजीव मालवी, कांग्रेस अध्यक्ष दशरथ राठौर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र पौरवाल, जिला कार्यकारिणी सदस्य अशरफ पठान, दशरथ सिंह, पूर्व तहसीलदार मोहन जांगड़े, पूर्व पार्षद विशाल जायसवाल, पार्षद नीलेश संघवी, जितेन मुजाउदिया, आनंद रत्नावत, जावेद खिलजी, मोहन मीणा आदि उपस्थित रहे। सुहासरा देश में संचार व कंप्यूटर क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि वरिष्ठ जनों युवा साथियों साथ मनाई गई। इस अवसर पर स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सभी साथियों ने राजीव के जीवन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही नगर में गौ माता को हरा चारा खिलाकर राजीव गांधी अमर रहे, कंप्यूटर क्रांति कौन लाए, युवाओं को किसने आगे बढ़ाया, पंचायती राज कौन लाया, राजीव का बलिदान याद रखेगा हिंदुओं हिंदुस्तान, जैसे नारे कांग्रेसजनों द्वारा लगाते हुए राजीव गांधी को याद किया गया। शामगढ़ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा आज शनिवार को बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र छात्री के आगमन की तैयारियों को लेकर खेड़ीटा सुहासरा शामगढ़ में बैठक ली गई, जिसमें बागेश्वर धाम के आगमन पर होने वाली यात्रा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए व अधिक से अधिक महिलाओं को घर घर जाकर पीले चावल देकर कलश यात्रा के लिए आमंत्रित किया जाए और संत के आगमन के पश्चात मंच आवागमन व्यवस्थाओं को लेकर भी मंत्री डंग द्वारा कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। बैठक शामगढ़ काना मांगलिक भवन में आयोजित की गई। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे आ न
Mother's Lab, a play school, the future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff. 31 March 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट. हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439. हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान.